गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एयर ब्रश टूल डिस्कस किया था. अब आज हम लोग टेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट एयर ब्रश टूल एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट टूल. एवरी स्टूडेंट विल ओपन पेज नंबर 3131 ऑफ देयर बुक्स. सभी बच्चे पेज नंबर 31 अपनी बुक का खोलेंगे. टेक्स्ट टूल, TEXT, टेक्स्ट टूल, TOOL, टेक्स्ट टूल. बच्चों, टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? लिखना, वर्ड्स लिखना, टाइप करना, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट. फंक्शन, टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया. टेक्स्ट टूल क्या करता है? टेक्स्ट टूल राइट करता है हमारा टेक्स्ट ड्राइंग एरिया में. और ड्राइंग एरिया क्या है? वाइट एरिया ही हमारा ड्राइंग एरिया होता है. तो फंक्शन क्या है टेक्स्ट टूल का? टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड टू राइट इन द ड्राइंग एरिया. राइट की क्या स्पेलिंग है? WRITE, राइट. स्टेप वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. हम लोग पहले टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स से. ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू क्रिएट अ डॉटेड फ्रेम एंड अ ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर्स इन इट. हम अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, वहाँ से लेंगे और अपनी स्क्रीन पर जाकर क्रिएट करेंगे एक डॉटेड फ्रेम, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है ब्लू कलर का, हम उसको क्रिएट करेंगे. इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इस फ्रेम को हम कहते हैं टेक्स्ट फ्रेम. क्या कहते हैं? टेक्स्ट फ्रेम. बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज ऑफ द टेक्स्ट. बच्चों, टाइप करने से पहले हमें हमेशा अपना फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर लेना चाहिए. द टेक्स्ट कैन बी नाउ टाइप्ड इन द टेक्स्ट फ्रेम. फिर हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं उस फ्रेम के अंदर. When typing of the text is finished, click outside to make the text permanent. बच्चों, जब हम लोग अपना टेक्स्ट फिनिश कर चुके होते हैं उस फ्रेम के अंदर लिख कर, तो बाहर जो वाइट एरिया होता है वहाँ पर क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो परमानेंटली सेव हो सके. तो बच्चों, पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल अपना टूल बॉक्स से. स्टेप टू, ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू क्रिएट अ डॉटेड फ्रेम. हम माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे अपनी स्क्रीन की ओर और डॉटेड फ्रेम को क्रिएट करेंगे और एक ब्लिंकिंग कर्सर उसके अंदर अपीयर होगा. इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इस फ्रेम को हम टेक्स्ट फ्रेम कहते हैं. स्टेप थ्री, बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज ऑफ द टेक्स्ट. टाइप करने से पहले हमें हमेशा अपना फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज टेक्स्ट का सेलेक्ट कर लेना चाहिए. द टेक्स्ट कैन बी नाउ टाइप्ड इन द टेक्स्ट फ्रेम. हमारा जो टेक्स्ट है अब हम वो टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम में. स्टेप फाइव, व्हेन टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट इज फिनिश. जब हमारा टेक्स्ट की टाइपिंग फिनिश हो जाती है, क्लिक आउटसाइड टू मेक द टेक्स्ट परमानेंट. हमें बाहर क्लिक करना चाहिए कि हम हमारा टेक्स्ट जो है वो परमानेंटली सेव हो सके. इम्पॉर्टेंट क्या लिखा है नीचे? द टेक्स्ट फॉन्ट साइज एंड स्टाइल कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर टाइपिंग इफ़ द माउस इज क्लिक आउटसाइड. अगर हमारा टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज और स्टाइल है वो चेंज नहीं हो सकता टाइप करने के बाद, अगर हमने अपने माउस को बाहर क्लिक कर दिया है, इसलिए हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. परमानेंट की क्या स्पेलिंग है? PERMANENT, परमानेंट. क्या स्पेलिंग है? PERMANENT, परमानेंट. ब्लिंकिंग, BLINKING, ब्लिंकिंग. कर्सर, CURSOR, कर्सर. डॉटेड, DOTTED, डॉटेड. फ्रेम, FRAME, फ्रेम.
तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ा। टेक्स्ट टूल क्या करता है? टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया। अगर हमें टेक्स्ट लिखना है अपने ड्राइंग एरिया में तो हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल को टूल बॉक्स से, फिर डॉटेड फ्रेम बनाएंगे, फिर वहाँ पर टाइप करने से पहले अपना फॉन्ट स्टाइल और साइज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। और जब टेक्स्ट टाइप कर चुके होंगे तो बाहर माउस पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो परमानेंटली सेव हो सके। आपका होमवर्क ये है, आप लोग लिखोगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट टूल फर्स्ट, और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द टेक्स्ट टूल। एक क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट टूल, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट टूल। आपको फंक्शन और स्टेप्स दोनों बताने हैं। क्या होमवर्क है? फंक्शन और स्टेप्स टेक्स्ट टूल के दोनों बताओगे।